हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल नहीं है। तो देखो, इन सीटू क्या होता है कि जो पर्टिकुलर फौना है या फ्लोरा है तो उसको उसी के ही नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है ग्रो करवाना। तो इन सीटू में होते हैं नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। इन सीटू में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है एनिमल्स या फिर प्लांट्स की, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं, ना कि जो मैनमेड जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन्स या फिर बॉटनिकल गार्डन्स में उनको नहीं रखा जाता। तो नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब इन सीटू, और एक्स सीटू मतलब उनको वहाँ से निकाल के और दूसरी जगह रखा गया, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन्स हुए, जूलॉजिकल गार्डन्स हुए, ये सब। तो यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये इन सीटू का एग्जांपल नहीं है, ये एक्स सीटू का एग्जांपल है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया, ये कब पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये किया गया था इन द ईयर 2002। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है। तो ये होता है कि डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, यानी जो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसमें, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जो है चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये एंडेंजर्ड जो है इसकी सब स्पीशीज जो है वो एशिया में रहती है, और इन 1990 जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट थी जिसके अकॉर्डिंग जो चीता है वो जो है अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे चार हॉटस्पॉट हैं, एंड इसमें से जो है जो वेस्टर्न घाट्स है वो हॉटस्पॉट माना जाता है। हॉटस्पॉट जो है वो एरिया होते हैं जहाँ पे बहुत रिच डाइवर्सिटी होती है, बट दे आर नाउ अंडर थ्रेट ड्यू टू डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो वेस्टर्न घाट इन इंडिया जो है वो आते हैं यहाँ पे अंडर दिस हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पे जो मैमल्स हैं इन सब में से उनमें हाईएस्ट नंबर है एंडेंजर्ड स्पीशीज का। नेक्स्ट है, वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज दैट ऑफ। तो इंडियन मेडिसिनल प्लांट जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम जो है ये इंडियन मेडिसिनल प्लांट है, और ये इट इज़ यूज टू रिमूव जो बिगनिंग वाला जो कैंसर होता है, जो कि कैंसर नहीं होता है, बेनिंग ग्रोथ्स सच एज सर्टेन काइंड ऑफ वार्ट्स वगैरह हैं उनको जो है रिमूव करने के लिए किया जाता है, और ये इट वर्क्स बाय डिस्ट्रॉइंग द टिश्यूज। तो अब ये जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच पेयर ऑफ एन एंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क। तो पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ये फेमस है एज अ प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल पार्क फॉर राइनोसॉरस, बिल्कुल सही है ये। वाइल्ड एयर जो है वो गुजरात में पाया जाता है, दूधवा नेशनल पार्क में नहीं। ग्रेट इंडियन, यहाँ पे बस्टर्ड होना चाहिए, हाँ ये बस्टर्ड यहाँ पे आ गया है। तो केवलाधार नेशनल पार्क में नहीं है ये, डेजर्ट पार्क जो है हमारा नेशनल डेजर्ट पार्क जो कि जैसलमेर में है वहाँ पर ओकलवुड जो फॉसिल पार्क है वहाँ पर पाया जाता है। एंड लाइन जो है वो कॉबर्ट नेशनल पार्क में नहीं है, ये गिर के फॉरेस्ट में पाया जाता है, एशियाटिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया वेयर वाइल्ड पॉपुलेशन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड। तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक जो वीड है वो है इसमें से इकॉर्निया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? तो इंडिया की जो मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी है, देखो एंडेमिज्म होता है उसमें, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस जो है वो भी इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है इसमें नहीं होता है, तो ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है. जो लेसर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ऑब्जर्व नहीं किया जाता, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन तो है वो रहता ही है, एंड स्पीशीज रिचनेस भी जो है देखी जाती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है राइस में पाई जाती है. सो यहाँ पे हमारे पास टोटल 23 वैरायटी जो है वो इरीगेट होती है इन इकोलॉजी, एंड 8 वैरायटी ऑफ रेनफेड इकोलॉजी हैव बीन इन्वेंटेड इन इंडिया ऑफ राइस. नेक्स्ट, स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमको देना दे रखा है, और 2 करेक्ट जो हमको यहाँ पे पता करने हैं. पहला है, लॉयन ईटिंग ए डियर एंड स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स. तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों जो है खा रहे हैं. नेक्स्ट है, प्रीडेटर स्टार फिश डिजास्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन सम इनवर्टिब्रेट्स. प्रीडेटर अल्टीमेटली लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीशीज, तो ये गलत है. प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स सच एज निकोटीन स्ट्राइचिन बाय द प्लांट आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो ये भी जो है सही नहीं है. देखो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, तीसरा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि प्रीडेटर्स जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं करते प्रे स्पीशीज़ को, उनको भी पता होता है कि अगर हम इनको पूरा खा जाएंगे तो फिर हम बाद में क्या खाएंगे, है ना, तो ये साथ में इवॉल्व होते हैं. और स्टेटमेंट 4 इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल जैसे कि निकोटीन है ये सब प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्लांट, ये इनकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होती है, बट ये इनके मेटाबॉलिक वेस्ट है. सो फर्स्ट और सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग इज ड्यू टू, तो डाइवर्सिटी जो है ये क्या है कि एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 14 का. तो डाइवर्सिटी इज ड्यू टू लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंजेस, अडेप्टेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूस चेंज होता है इन जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति जो है अडेप्टेशन करते हैं, और म्यूटेशन जो है वो सडन चेंज होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन? देखो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन ऑलमोस्ट अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही है. मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रिजल्टिंग इन हाई प्रोडक्टिविटी, तो ये सारे ऑप्शन जो है इसके सही है. ट्रॉपिक्स पे जो है क्या है कि बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और धूप भी बराबर पड़ती है. तो स्पेशिएशन जो है एक फंक्शन है ऑफ टाइम, एंड टेम्परेट एरियाज हैव अंडरगॉन फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स इन वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह थे टेम्परेट रीजन में, ठीक है. सो वहाँ पे क्या है कि जो मोस्ट स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई या मर गई. सो नो सच डिस्टर्बेंस अकर्ड इन ट्रॉपिक, क्योंकि ट्रॉपिक्स जो हैं जैसे थे वैसे ही हैं. यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है मिलियन ऑफ ईयर्स तक ये अनडिस्टर्ब रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जो स्पीशीज़ वगैरह वो ज़्यादा पाई जाती है, उनका इवॉल्वमेंट जो है यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, और यहाँ पे रिसोर्सेज भी जो है अवेलेबल हैं इन हायर अमाउंट इन ट्रॉपिक्स, और कंपटीशन भी जो है रिड्यूस्ड है ड्यू टू फेवरेबल एनवायरनमेंट, और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी यहाँ पे लो है इन ट्रॉपिक्स. नेक्स्ट, एन एग्जॉटिक स्पीशीज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू एरिया स्प्रेड्स रैपिडली एंड एलिमिनेट्स नेटिव स्पीशीज इज कॉल्ड, तो उस स्पीशीज को जो है हम कहते हैं इन्वेसिव स्पीशीज, जैसे कि अफ्रीकन जो कैटफिश है वो एक एग्जॉटिक स्पीशीज है, तो अब उसको जो है बैन किया जा रहा है क्योंकि वो इन्वेसिव स्पीशीज हो गई, वो यहाँ के जो लोकल स्पीशीज रहती है उनको वो जो है कॉम्पिटिशन बढ़ाती है उनके लिए, और उनके एक्सटिंक्शन का जो है एक रीज़न बन जाती है, ठीक है. सो इसलिए ये जो है हार्मफुल होती है फॉर बोथ जो है एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्योंकि अगर एक स्पीशीज़ जो है वो उसको नुकसान होगा तो ग्रेजुअली बाकी स्पीशीज़ को भी जो है उससे नुकसान होता ही है. नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी आर,
तो स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टर क्या है कि इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही है, तभी वो जो स्टेबल रहेगी। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही है ये भी। इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, तो ये भी सही है, क्योंकि अगर एलियन स्पीशीज आ जाएंगी तो वो उनको जो है कॉम्पिटिशन देंगी, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कम हो जाएंगे, तो इसलिए सारे ऑप्शन जो है इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो एक सेल्फ जो स्टेबल कम्युनिटी है वो सेल्फ पर्प्यूटेटिंग होती है, फाइनल बायोटिक कम्युनिटी दैट इज़ परफेक्ट इन परफेक्ट हार्मनी विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, और यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, यूजुअली जो है ये रेजिलेंट रहती टू नेचुरल और मैनमेड डिस्टर्बेंसेस, और इसलिए यहाँ पे सर्वाइव कर पाती है और स्टेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, तो इंडिया में देखो क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है एव्स रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड मैमल्स के हैं, इस तरह से कि मैमल्स जो हैं वो यहाँ में हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैमल्स की जो है 300 स्पीशीज हैं, देन एम्फीबियंस की जो है वो है 209 एंड रेप्टाइल्स की जो है 456 और एव्स की सबसे ज़्यादा है 1232, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा, एव्स रेप्टाइल्स मैमल्स एंड एम्फीबियंस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इज़, तो रेड डाटा बुक जो है वो IUCN जो है इसे मेंटेन करता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसका फुल फॉर्म है एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये इसका फुल फॉर्म है, एंड ये जो है अभी से हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं WCU, और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो बॉर्जस स्विट्ज़रलैंड में है, और ये रेड डाटा बुक जो है या फिर रेड लिस्ट जो है जो कि कैटलॉग है ऑफ टेक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इसको मेंटेन करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है, देखो यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस और एरिया में ग्राफ दे रखा है, तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एंड फॉर अ वाइड वराइटी ऑफ टेक्सा, जबकि वेदर दे आर बर्ड्स बैट्स फ्रेश वाटर फिश या फिर फ्लारिंग प्लांट्स कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है, तो इनकी इक्वेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी S इक्वल्स टू CAZ, ये इक्वल है CAZ, सो ये लॉग स्केल पे है, ये इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर लॉग वाली हो तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन लॉग S इक्वल्स टू लॉग C प्लस Z लॉग A, तो S जो है वो यहाँ पे क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, Z जो है वो स्लोप है एंड स्लोप ऑफ लाइन है एंड जो और रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको हम, C जो है वो Y इंटरसेप्ट है और वाइल A जो है यहाँ पे एरिया है, ठीक है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, S इक्वल टू CAZ एंड A टू द पावर Z एंड लॉग S इक्वल्स टू लॉग C प्लस Z लॉग A, तो ये इक्वेशन हो जाएगी स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक वेरिएशंस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग रेसरपाइन इन द मेडिसिनल प्लांट रॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट इंडिकेट, तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, इस ये डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स एज वेल एज द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज एंड वेरिएशन इन द जीन्स और उनके एलील्स इन द सेम स्पीशीज, सो जेनेटिक वेरिएशन है रॉल्फिया वोमिटोरिया इंडिकेट्स दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी है यहाँ पे, सो हमारे पास जो है 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस के, 1,000 जो है वेराइटी है मैंगो की इन इंडिया, सो ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। नेक्स्ट की स्टोन स्पीशीज डिजर्व प्रोटेक्शन बिकॉज दीज, तो की स्टोन स्पीशीज जो है वो स्पीशीज होती है जिनका सिग्निफिकेंट एंड जो है लार्ज इन्फ्लुएंस होता है ऑन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक, सो ये जो है इनको कंसिडरेबली लो अबेंडेंस में पाई जाती है एंड बायोमास इनका भी कम होता है एज कम्पेयर टू द डोमिनेंट स्पीशीज,
तो इन स्पीशीज का रिमूवल जो है वो सीरियस डिस्ट्रप्शन कॉज कर सकता है इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी, सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग अदर स्पीशीज. ये होती है कीन स्टोन स्पीशीज, इसलिए इनको जो है प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है, इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू. तो नेशनल पार्क में जो है क्या होता है, पूरे इकोसिस्टम को जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है. ये रिजर्व एरिया होता है यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पस. यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन होता है, और कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री और हैबिटेट मैनिपुलेशन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं होता है. प्रोटेक्शन जो है पूरे एंटायर इकोसिस्टम को दिया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान. तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करती है प्रोसोपिस सिनेरेरिया एंड ब्लैक बक्स को रिलीजियसली. तो ए और बी दोनों को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं. सो आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट हमको पूछा है यहाँ पे. पहला है हाई एंडेमिज्म, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, देन टोटल नंबर इज 34 इन द वर्ल्ड, फाइव ऑफ दीज अकर इन इंडिया, हाई एरियन स्पीशीज इन्वेजन कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड, बट इफ प्रॉपरली कंजर्व दे कैन रिड्यूस एक्सटिंक्शन बाई अबाउट 30%. तो पूछा क्या है हमको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे रिगार्डिंग हॉटस्पॉट्स. तो देखो इसमें क्या है कि एग्जॉटिक स्पीशीज जो है वो क्या करती है, थ्रेट होती हैं टू बायोडाइवर्सिटी. दे आर ये जो हॉटस्पॉट रीजन में नहीं पाई जाती है. ठीक है, इंडिया में जो है चार वो हैं हॉटस्पॉट रीजन. वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड जो इंडो बर्मा वाला है, और हिमालयाज हैं. सो फर्स्ट सही है इसमें, स्पीशीज रिचनेस भी सही है. एंड अभी जो है 34 जो है टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये थर्ड भी सही है. देन इंडिया में जो है 5 नहीं है, ये गलत हो जाएगा. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है यहाँ पे सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, XC2 कंजर्वेशन इज यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ. तो ये थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए होता है. XC2 यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है. सेलेक्टेड रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि अपने नेचुरल होम से उनको निकाल के जो है कंजर्व किया जाता है, जैसे किसी जू में या फिर बायोलॉजिकल गार्डन में. तो ये होता है फॉर थ्रेटन एनिमल्स एंड प्लांट्स. नेक्स्ट, डैश नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है. अब ये जो है उत्तराखंड में है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में. नेक्स्ट, फर्स्ट अर्थ सबमिट फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड एट. तो फर्स्ट अर्थ सबमिट जो है वो होता है रियो डी जनेरियो में इन 92 इन ब्राज़ील. सो ये जो है टू प्रमोट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे 152 नेशंस ने इसको साइन किया था, एंड इट्स रिकमेंडेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 29 दिसंबर 1993. सो इंडिया इसकी पार्टी बनी थी इन 1994. नेक्स्ट है एंटीलोपा सर्वी कैप्रा ब्लैक बग क्या है. तो ये जो है एक वल्नरेबल उसमें आता है कैटेगरी में. नेक्स्ट, अल्फा डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट. तो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट होती है, विद इन कम्युनिटी. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय. तो बायोडाइवर्सिटी जो है किससे डिटरमाइन होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय. तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस. बी एंड सी, बोथ बी एंड सी जो है इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड है. तो ये पाइथन मोलिरस जो कि इंडियन पाइथन है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है. नेक्स्ट है, डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज इज मेनली ड्यू टू. तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो है ये डिक्रीमेंट जो है वो किस वजह से है, कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट इन इंडिया. तो ये जो है चीता जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है इंडिया में.
those species whose population have been seriously depleted and whose ultimate security is not assured are known as. तो ये जो है ऐसी स्पीशीज जिन जो सीरियसली डिप्लीटेड हो गई हैं और अल्टीमेट सिक्योरिटी उनकी अश्योर नहीं की जा सकती, वो होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेटन्ड बाय इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे जो है एलिफेंट्स, इनके टस्क के लिए जो है इलीगल ट्रेड में जो है इसकी वजह से इनको मारा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है जान के लिए खतरा है. नेक्स्ट, ह्यूमंस हैव ऑल्टर्ड अर्थ लैंड सर्फेस. तो कितना परसेंट जो है हमने ऑल्टर कर दिया है, तो अबाउट 50% जो है हमने ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया अर्थ को. नेक्स्ट, विच एंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ वर्ल्ड फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड नॉन मोस्ट एक्सपेंसिव वूल, द शतूश. तो ये जो है किससे मिलती है हमको, ये मिलती है हमको चीरू से, एक हिमालयन आइबेक्स है ये, इसको तिब्बतन एंटलोप भी कहते हैं. शतूश जो है ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम इट्स नेक हेयर, और ये जो है बैंड है अंडर द लॉ. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. तो इनमें से देखो, कंपटीशन फ्रॉम एग्जॉटिक स्पीशीज, कमर्शियल हार्वेस्टिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है एक स्पीशीज़ के जो है एक्सटिंक्ट होने में बहुत बड़ा रोल होता है इसका. डाइवर्सिटी को जो है चेंज कर देता है, डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ ब्रेक्स और बीक्स ऑफ फिंचेस, ये ब्रेक्स नहीं है, बीक्स ऑफ फिंचेस अडेप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स इन ऑन द गैलापागोस आइलैंड्स आज ऑब्जर्व बाय द डार्विन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर. तो ये किसके लिए एविडेंस देती है हमको, नेचुरल सेलेक्शन का, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई नेचुरल सेलेक्शन, यही दिया था डार्विन ने. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी. तो नेमिंग द स्पीशीज है, लुकिंग एट द अदर रिलेटेड स्पीशीज, असेसिंग द स्पीशीज ज्योग्राफिकल रेंज एंड क्वान्टिफाइंग द स्पीशीज जीनोम. तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी को के लिए ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट है, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप इज कॉल्ड. तो टोटल लैंडस्केप पे जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी. नेक्स्ट है, द टर्म हॉटस्पॉट फॉर हाई डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल रीजन वॉज कॉइंड बाय, तो ये दिया था मेयर्स ने. नेक्स्ट है, फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म, फंजाई, टेडोफाइट्स एंड एल्गी. तो ये है देखो, सबसे ज़्यादा है फंगस में है, देन है एंजियोस्पर्म्स में, देन एल्गा एंड देन टेडोफाइट्स, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया इज. तो इंडिया से जो है ऑलमोस्ट 45,000 प्लांट स्पीशीज जो है वो रिकॉर्ड की गई है. सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे. तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.